कोलकाता रेप मर्डर केस में विस्फोटक पर्दाफाश हुआ है, पूरा बंगाल हिल गया है। आरजी कर मेडिकल कॉलेज के असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट और लेडी डॉक्टर के माता पिता के बीच फोन पर हुई बातचीत का ऑडियो सामने आ चुका है। इस ऑडियो से साफ पता चल रहा है कि डॉक्टर की मौत के बाद भी आरजी कर अस्पताल के स्टाफ ने उनके परिजनों से झूठ बोला था। एक नहीं बल्कि तीन तीन बार झूठ बोला गया। ट्रेनी डॉक्टर की मौत सुबह 3 से 4 बजे के बीच हुई, जबकि माता पिता को पहली कॉल सुबह 10:53 पर की गई। पहली कॉल में बताया गया कि आपकी बेटी को बुखार है, उसे अस्पताल में भर्ती किया गया है। थोड़ी देर बाद अस्पताल से दूसरी कॉल पहुंची, जिसमें कहा गया कि उनकी बेटी की तबीयत बहुत खराब है और उन्हें इमरजेंसी वार्ड में लाया गया है। इसके थोड़ी देर बाद अस्पताल से तीसरी कॉल पहुंची, जिसमें कहा गया कि आपकी बेटी ने सुसाइड कर लिया है। मतलब साफ है कि डॉक्टर बेटी के माता पिता से झूठ पर झूठ बोला गया। यानी कि पहली कॉल में अस्पताल के असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट ने यह बताया कि आपकी बेटी को बुखार हुआ है, उसे अस्पताल में भर्ती कराया गया, आज जितनी जल्दी हो सके आप आ जाइए। पहली कॉल में आजकल अस्पताल की असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट ने कहा कि बुखार है, दूसरी कॉल में कहा तबीयत बहुत खराब है। यानी कि लेडी डॉक्टर के माता पिता से 2 बार में 2 झूठ बोले गए। इसके बाद तीसरी बार अस्पताल से फोन आया, जिसमें कहा गया कि उनकी बेटी ने खुदकुशी कर ली है। सवाल यह है कि अस्पताल में ड्यूटी पर तैनात लेडी डॉक्टर की रेप के बाद हत्या कर दी जाती है और अस्पताल उस घटना को छिपाने में जुट जाता है। लेडी डॉक्टर के परिजनों से अस्पताल की तरफ से बार बार झूठ बोला जा रहा था। कम से कम लेडी डॉक्टर के माता पिता को तो अस्पताल प्रबंधन सच बता सकता था। उनकी बेटी के साथ क्या हुआ ये उन्हें जानने का पूरा हक था, लेकिन क्या हुआ? अस्पताल से बार बार झूठ बोला गया, लेडी डॉक्टर के माता पिता को झूठ के अंधेरे में रखा गया। दिल चीर देने वाली सच्चाई पर पर्दा डालने की कोशिश की गई। यही नहीं, जिस अस्पताल को लेडी डॉक्टर के माता पिता को अस्पताल बुलाने की बहुत जल्दी थी, उस अस्पताल ने माता पिता के अस्पताल पहुंचने पर लेडी डॉक्टर का शव तुरंत नहीं दिखाया। उन्हें अपनी बेटी का शव, उसका चेहरा देखने के लिए 3 घंटे तक इंतजार करना पड़ा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18। और इधर कंगना रनौत के किसान आंदोलन को लेकर दिए गए बयान पर विपक्ष बहुत हमलावर है। शिरोमणि अकाली दल के नेता सिमरनजीत सिंह मान और कांग्रेस के नेता उदित राज ने तो हद ही पार कर दी। महिला सम्मान की बात करने वाली इन पार्टियों के नेताओं ने कंगना पर शर्मनाक टिप्पणी की है, अभद्र भाषा का इस्तेमाल किया है, कंगना के खिलाफ ऐसा अपमानजनक बयान दिया है जो कि शोभा नहीं देता। इन्होंने कंगना पर टिप्पणी की है कि जिस पर विवाद खड़ा हो गया है वो क्या है, आइए आपको भी सुनाते हैं। भारत में कई पार्टियां और कई नेता महिला सम्मान की बड़ी बड़ी बातें करते हैं, लेकिन बीजेपी सांसद कंगना रनौत के खिलाफ शिरोमणि अकाली दल के नेता सिमरनजीत सिंह मान और कांग्रेस के नेता उदित राज की घटिया टिप्पणी ने उन नेताओं का असली चेहरा सामने ला दिया है। कांग्रेस और अकाली दल के नेताओं ने लोकतंत्र में वैचारिक मतभेद की लक्ष्मण रेखा तोड़ी और बेशर्मी की सीमाएं लांघ गए। कंगना रनौत का विरोध करते हुए सिमरनजीत सिंह मान ने कहा कि कंगना रनौत को रेप का बहुत तजुर्बा है, एक महिला के खिलाफ इतनी घटिया टिप्पणी पर वहां मौजूद लोगों को भरोसा नहीं हुआ कि आईपीएस अफसर और सांसद रह चुका व्यक्ति इस तरह की बात कर सकता है। उनसे पूछा गया कि क्या वो ऐसी टिप्पणी कंगना रनौत के लिए कर रहे हैं, तो सिमरनजीत मान ने कहा कि हाँ, वो ये बात कंगना के लिए ही कह रहे हैं। सिमरनजीत सिंह मान के अलावा कांग्रेस नेता, पूर्व आईआरएस अफसर और पूर्व सांसद उदित राज ने भी कंगना के खिलाफ बेहद अपमानजनक टिप्पणी की। उदित राज ने कहा कि वो ये तो नहीं कहेंगे कि कंगना को रेप का एक्सपीरियंस रहा है, लेकिन उनका फिल्म इंडस्ट्री का करियर बहुत संदिग्ध रहा है। मैं कहना तो नहीं चाहता, रेनॉल्ड साहब को रेप का तो बहुत तजर्बा है,
उनसे आगे पूछ सकते हैं कि कैसे होता है रेप, तो लोगों को समझाया जाए कि रेप कैसे होता है, उनको कैसे तजुर्बा है। तजर्बा जैसे होता है, आप अगर साइकिल चलाते हैं तो साइकिल चलाने का तजर्बा नहीं होता, तो उनको रेप का तजर्बा है। मैं नहीं कहूँगा कि रेप का एक्सपीरियंस है, लेकिन उनका फिल्म इंडस्ट्री का जो करियर है बहुत संदिग्ध रहा है और सोशल मीडिया में देखता रहता हूँ। सिमरनजीत सिंह मान और उदित राज के अभद्र बयानों के बाद कंगना रनौत ने कहा कि उन्हें रेप की धमकियां मिल रही हैं। धमकियों में कहा जा रहा है कि कंगना को पता है रेप क्या होता है। आज मुझे रेप थ्रेट्स भी आ रहे हैं कि कंगना को पता है कि रेप क्या होता है, तो वो मुझे एक तरह से रेप की भी धमकियां दे रहे हैं, तो इस तरह से वो मेरी आवाज नहीं दबा सकते हैं। कंगना रनौत पर अकाली दल और कांग्रेस नेताओं की ये टिप्पणी शर्मनाक है। ये पार्टियां महिला सम्मान की बातें करती हैं, लेकिन इनके नेता भाषा की मर्यादा तक तोड़ रहे हैं। बीजेपी नेता जयराम ठाकुर ने सिमरनजीत सिंह की टिप्पणी को दुर्भाग्यपूर्ण बताया। मैं समझता हूँ कि ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण टिप्पणी की है जिसने भी की है। जानकारी मुझे अभी अभी मिली है, मैंने पूरी तरह से बात नहीं सुनी। मान सिमरनजीत सिंह मान ने कहीं प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा इस बात को लेकर के, ऑन रिकॉर्ड कहा, कैमरे के सामने कहा, तो एक महिला के बारे में इस प्रकार की टिप्पणी जो है ये कतई भी उचित नहीं है। और उम्र दराज नेता हैं, लेकिन मैं समझता हूँ कि ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण टिप्पणी है और ऐसा किसी भी व्यक्ति को किसी महिला के बारे में कहने का कोई अधिकार नहीं है। कुछ दिनों पहले कंगना रनौत ने एक इंटरव्यू के दौरान किसान आंदोलन पर टिप्पणी की थी। इसके बाद विपक्ष कंगना पर हमला बोल रहा है। हालांकि बीजेपी ने किसान आंदोलन पर कंगना के बयान से पार्टी को अलग कर लिया था, लेकिन कंगना पर हमले बंद नहीं हुए और अकाली दल कांग्रेस नेताओं ने तो अति कर दी। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18। तो बीजेपी सांसद और एक्ट्रेस कंगना रनौत पर शिरोमणि अकाली दल के नेता सिमरनजीत सिंह मान के रेप को लेकर आपत्तिजनक बयान पर अब सियासत शुरू हो गई है। कांग्रेस और करणी सेना ने कंगना पर दिए बयान को दुर्भाग्यपूर्ण बताया है। तो अब जो बयान निकलकर सामने आए हैं कंगना रनौत को लेकर, अब उन बयानों के बाद चाहे कांग्रेस की बात करें तो कांग्रेस ने दुर्भाग्यपूर्ण बताया, लेकिन कांग्रेस ने अगर इस बयान को दुर्भाग्यपूर्ण बताया है तो उदित राज जो कि उन्हीं की पार्टी के नेता हैं उनसे भी पूछना चाहिए कि आपने इस तरह का बयान क्यों दिया। हालांकि करणी सेना की तरफ से भी इस बयान को खेदजनक कहा गया है। गुजरात में इस समय 27 जिलों में हाहाकार मचा है। 24 नदियां खतरे के निशान से ऊपर बह रही हैं। बाढ़ और बारिश की वजह से अब तक 15 लोगों की जान जा चुकी है। 28 अगस्त को द्वारका, जामनगर, राजकोट और पोरबंदर के जिलों में 12 घंटे में 50 मिलीमीटर से 200 मिलीमीटर के बीच में बारिश दर्ज की गई। बाढ़ के भीषण हालात को देखते हुए खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुजरात के मुख्यमंत्री से बातचीत की है, मदद का भरोसा दिया और इस वक्त गुजरात में सेना, एनडीआरएफ, एसडीआरएफ के जवानों के साथ लगातार अन्य एजेंसियां भी रेस्क्यू ऑपरेशन में जुटी हैं। रिपोर्ट देखिए। आसमानी आफत से गुजरात में मच गया कोहराम। गुजरात में बादल फाड़ मुसीबत से मचा हाहाकार। गुजरात में बाढ़ का कहर, चारों तरफ जल प्रलय। गुजरात में इस समय जहां नजर दौड़ाएंगे आपको पानी का प्रहार दिखाई देगा। क्या इंसान क्या बेजुबान, हर कोई सैलाब की इस चोट से मार खा रहा है। गुजरात के 27 जिले बाढ़ की चपेट में हैं। हर तरफ सैलाब के प्रहार से त्राहिमाम मचा है। हालात ऐसे हैं कि हर कोई इस भयंकर बाढ़ के आगे बेबस नजर आ रहा है।
शहरों की गलियां उफनती नाले में तब्दील हो चुकी हैं, तो गांव के गांव टापू नजर आ रहे हैं। हालत यह है कि लोग छतों पर रहकर अपनी आजीविका चला रहे हैं। गुजरात के वडोदरा से आई इन हैरान करने वाली तस्वीरों को देखिए। पूरा मोहल्ला डूबा है, गलियों में 5 से 6 फीट तक पानी भरा है। इस भयंकर बाढ़ में जो लोग अपने घरों में फंसे हैं, उन्हें निकालने की कोशिशें जारी हैं। एनडीआरएफ एसडीआरएफ के जवान लगातार रेस्क्यू अभियान चला रहे हैं। नाव के सहारे लोगों को उनके घरों से निकालकर सुरक्षित जगहों पर ले जाते दिखे। वडोदरा में अस्पताल में भर्ती मरीजों पर डबल अटैक हुआ है। एक तरफ तो वो अपनी बीमारी से जूझ रहे हैं, तो दूसरी तरफ बारिश के पानी का प्रहार हुआ है। हालत यह है कि सरकारी अस्पताल में गले तक पानी भर गया। लोग अपने मरीजों को स्ट्रेचर पर लादकर अस्पताल से निकलते दिखे। वडोदरा में शहर से लेकर गांव तक हर तरफ पानी का कब्जा हो चुका है। इस बीच वहां अलखी गांव में बीते 3 दिन से एक कपल अपनी छत पर बाढ़ से जिंदगी की जंग लड़ रहा था, लेकिन जब एनडीआरएफ की टीम को पता चला तो उन लोगों को फौरन रेस्क्यू कर लिया गया। इस बीच वडोदरा में एक और हैरान करने वाली तस्वीर आई है। पानी इतना बरसा कि सड़क पर सैलाब आ गया और पार्किंग में खड़ी गाड़ियां कागज की नाव की तरह बहने लगी। एक दो नहीं बल्कि दर्जनों कारें पानी में बहती नजर आईं। वडोदरा में लगभग हर गली मोहल्ले में रहने वाले लोग बाढ़ से बेबस नजर आ रहे हैं। पूरा शहर टापू बना दिख रहा है। पार्किंग में गाड़ियां डूबी हैं तो लोगों के आशियाने डूब चुके हैं। यही नहीं, भगवान का मंदिर भी इस सैलाब में समाया नजर आया। सैलाब के बीच रेस्क्यू की एक हैरान करने वाली तस्वीर जूनागढ़ से भी आई, जहां तबाही के मंजर के बीच फंसे लोगों को निकालने का अभियान चलाया गया। पानी में फंसे 7 लोगों को एसडीआरएफ और एनडीआरएफ की टीम ने रेस्क्यू करके उन्हें सुरक्षित जगह पर पहुंचाया गया। गुजरात के दाहोद में भी सैलाब ने कब्जा जमा रखा है। वहां भिलोदा नदी अपने उफान पर है। इस बीच नदी के किनारे से गुजर रहा एक मोटरसाइकिल सवार सैलाब की चपेट में आ गया। इसके बाद उसे बचाने का अभियान चलाया गया। जमीन की खुदाई करने वाली मशीन के सहारे उस युवक को कड़ी मशक्कत के बाद बचा लिया गया। गुजरात के पोरबंदर में सैलाब से संघर्ष सिर्फ इंसान ही नहीं बल्कि बेजुबान भी करते दिखाई दिए। पोरबंदर के कुतियाना इलाके में सड़क पर आए सैलाब की चपेट में आकर कुछ भैंसें बह गईं, तो कुछ लहरों से संघर्ष करके बाहर निकल आईं। पोरबंदर में बाढ़ के बीच लगातार रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया जा रहा है। बाढ़ में फंसे करीब 21 लोगों को हेलीकॉप्टर के सहारे सुरक्षित निकाला गया। इस रेस्क्यू ऑपरेशन में दमकल विभाग, नेवी, कोस्ट गार्ड, मरीन कमांडो और एसडीआरएफ की टीम शामिल रही। इस बीच गुजरात के द्वारका में बाढ़ में फंसे लोगों के लिए बचाव अभियान चलाया गया। द्वारका के कल्याणपुर इलाके में 4 लोग बाढ़ के बीच फंस गए थे, जिन्हें सेना ने हेलीकॉप्टर के जरिए सुरक्षित बचा लिया। गुजरात के द्वारका में लगभग हर जगह बाढ़ का मंजर दिखाई दे रहा है। हालात ऐसे बन गए हैं कि सड़क नदी में तब्दील हो चुकी है। इस दौरान वहां खड़ा एक भारी भरकम ट्रक कागज की नाव की तरह बहता दिखाई दिया। गुजरात के जामनगर में मूसलाधार बारिश मुसीबत बन चुकी है। लगातार हो रही बारिश के बाद शहर का एक पूरा हिस्सा टापू में बदला दिखाई दिया। जामनगर में तेज बारिश के बाद सैकड़ों मकान पानी में डूब गए। एनडीआरएफ की टीम लगातार रेस्क्यू ऑपरेशन चलाकर लोगों को सैलाब की चपेट से आजाद करा रही है। तस्वीरों में देखिए कैसे जामनगर में पानी के बीच फंसे युवक का हेलीकॉप्टर से रेस्क्यू किया गया। युवक पानी के तेज बहाव के बीच फंस गया था। इस बीच जामनगर से एक और हैरान करने वाला वीडियो सामने आया। वहां पानी के तेज बहाव में पूरी पुलिस चौकी ही बह गई। पानी का बहाव इतना तेज था कि पूरी की पूरी पुलिस चौकी कागज की नाव की तरह बहती दिखाई दी। इतना ही नहीं, वहां खड़ी कार भी पूरी तरह पानी में डूब गई। उधर राजकोट में पानी के तेज बहाव में एक कार पलट गई। पानी का बहाव इतना तेज था कि वो कार को
तिनके की तरह बहा ले गया। वहीं गनीमत रही कि कार में सवार युवक ने तैरकर अपनी जान बचा ली। तो चलिए अब बात करते हैं यूपी की, जहां पर बहराइच में भेड़ियों की तलाश में जुटे वन विभाग और प्रशासन की टीमों को बड़ी कामयाबी मिली है। वन विभाग की टीम ने चौथे भेड़ियों को पकड़ लिया है और उसे पिंजरे में कैद कर लिया है। कल रात थर्मल कैमरे वाले ड्रोन के जरिए इस भेड़िए की लोकेशन ट्रेस की गई और उसके लिए जाल बिछाया गया। आखिरकार आज कड़ी घेराबंदी के बाद उसे पकड़ लिया गया और वन विभाग की टीम इससे पहले भी तीन भेड़ियों को अब तक पकड़ चुकी है। अब यह चौथा भेड़िया पकड़ा गया है जिसे गोरखपुर के चिड़ियाघर में भेजा जाएगा। लेकिन अब इलाके में दहशत बरकरार है, लोगों में अभी भी डर और खौफ बना हुआ है। इस रिपोर्ट में दिखाते हैं आपको। ये ज्यादा खतरनाक माना जा रहा है। ये पकड़ा गया है। यूपी में ऑपरेशन आदमखोर। बिकॉज ऑफ दैट इंजरी वो लोन मुल्क की है जो इस टाइप के इंसिडेंट्स वगैरह कर रहा है। पकड़ा गया चौथा भेड़िया। यूपी के बहराइच में 35 गांव में आतंक का पर्याय बन चुका भेड़िया आखिरकार पकड़ लिया गया। वन विभाग की टीम ने आज एक और आदमखोर भेड़िये को पकड़ने में सफलता पाई। ये चौथा भेड़िया है जिसे अब तक वन विभाग की टीम ने पकड़ा है। इससे पहले भी तीन भेड़िये पकड़े जा चुके हैं, लेकिन इलाके में दहशत अभी खत्म नहीं हुई है, क्योंकि बताया जा रहा है कि दो और भेड़िये इस इलाके में छिपे हुए हैं, जिनके लिए वन विभाग की टीमें लगातार सर्च ऑपरेशन चला रही हैं। तीन भेड़िये पकड़े जा चुके थे, लेकिन उसके बाद भी इंसिडेंट नहीं। ये चौथा जो भेड़िया है ये काफी बड़ा भेड़िया है और ये ज्यादा खतरनाक माना जा रहा है। ये पकड़ा गया है और अभी भी दो और बाकी हैं, हम उन्हें भी जल्दी ही पकड़ेंगे। वन विभाग की टीम पूरी तरह से वहां लगी हुई है। आसपास के जिलों से भी हमने टीम भेजी है। वहां पे ड्रोन कैमरे लगाए गए थर्मल ड्रोन लगाए गए, क्योंकि पेड़ के नीचे अगर बैठा हो तो नहीं पता लगता है ड्रोन से, सिंपल ड्रोन से। तो हमने थर्मल ड्रोन लगाया है ताकि नीचे के टेम्परेचर से फर्क पता लग जाएगा कि कहाँ पे है। सच में बहुत सक्सेसफुल दिन हम इसे मानेंगे, क्योंकि बहुत दिनों से यहाँ पे भेड़िये का आतंक था, वो बहुत सारे बच्चों को वो मार रहा था। तो आज हम लोगों ने एक भेड़िये को पकड़ लिया है। अभी तक चार भेड़िये पकड़े जा चुके हैं, दो भेड़िये हैं जो अभी रिमेनिंग है, उनको भी पकड़ने की पूरी तैयारी की जा रही है। 45 दिनों में भेड़ियों के 38 हमले, 8 बच्चों और एक महिला समेत 9 लोगों की मौत, 35 गांव के 50,000 लोगों पर खौफ का साया। पिछले कुछ महीने से इस इलाके के लोग इसी दहशत को जी रहे हैं, लेकिन आज वन विभाग की टीम को एक बड़ी सफलता मिली जब उसने सबसे खूंखार भेड़िये को पकड़ लिया। ये भेड़िया लंगड़ा है लेकिन सबसे ज्यादा खूंखार है। पिछले दिनों यही भेड़िया गाँव से 5 साल के बच्चे को उठा कर ले गया था, जिसका शव खेतों में मिला। वन विभाग ने इस भेड़िये को नदी के किनारे गन्ने के खेत से पकड़ा, इसे पिंजरे में कैद करके रखा गया है। चार भेड़िये कैद हो चुके हैं, तीन पहले पकड़े गए थे, एक भेड़िया आज पकड़ा गया है। मैं अपने कैमरामैन से कहूंगा वो दिखलाए कि भेड़िये का मूवमेंट क्या है, किस तरीके से जो भेड़िया है वो हरकतें कर रहा है। सबसे खूंखार भेड़िया यही माना जा रहा था, जो भेड़िया है वो पूरा यही भेड़िया इस इलाके में जो है अब तक। और इस खबर के साथ फिलहाल अभी बुलेटिन में इतना ही, हमें दीजिए अनुमति। नमस्कार।